आज हमारा टॉपिक है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन है। पैनक्रियास एक ऑर्गन है जो हमारे अब्डोमेन के ऊपरी तरफ, मतलब पेट का जो ऊपरी भाग होता है, अपर अब्डोमेन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे स्टमक होता है, ओके, तो स्टमक के जस्ट पीछे की तरफ एकदम टाइटली जुड़ा हुआ या टक किया हुआ जैसा एक हिस्सा होता है या एक ऑर्गन होता है जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। वो दिखने में एक लंबे आकार का होता है, ओके, और ये जो पैनक्रियास हैं इनका बहुत अच्छा महत्व होता है। ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ये स्टमक में आते हैं। ये जब स्टमक में आते हैं तो स्टमक में जो हमारा खाना पहुंचता है उसको डाइजेस्ट करने में ये मदद करते हैं। साथ ही साथ ये हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं जैसे इंसुलिन, जो ग्लूकोज के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करने में मदद करते हैं। ओके, सो ये है जो नॉर्मल काम होता है पैनक्रियास का। अगर ये पैनक्रियास किसी कारणवश इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से पैनक्रियास में अगर कोई असामान्यता आ जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसा रुकावट जिसकी वजह से इन पैनक्रियाज में से जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ ना हो पाए, या ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से जो एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाज बनाते हैं वो पैनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली ये एंजाइम्स पैनक्रियाज में एक्टिवेट नहीं होने चाहिए क्योंकि ये स्टमक में पहुँच के उस जो खाना होता है, जो भोजन हमारे स्टमक में पहुँचता है उस पर एक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ये पैनक्रियाज में ही एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गए तो ये पैनक्रियाज के सेल्स को ख़राब करेंगे और वहाँ पे जलन और सूजन हो जाएगी जिसको हम नॉर्मली इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ओके, सो इस कंडीशन को, पैनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। आइटिस इन्फ्लेमेशन, पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन पैनक्रियाटाइटिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो कारण में हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आदत में है बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करना, मद्यपान की जो आदत होती है, अल्कोहलिज्म, वो अगर आदत है तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का जो भोजन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैदा या फिर बहुत ज़्यादा सिरका या फिर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है। किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर जो है उसमें अगर स्टोन बनना स्टार्ट हो जाए तो गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से हो सकता है। पेट से रिलेटेड कोई भी अगर सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी या फिर कोई प्रोसीजर हुआ है तो उस प्रोसीजर की वजह से भी पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये कॉमनली कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से, या फिर हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटापा है या फिर फैमिली में पैनक्रियाटाइटिस का अगर प्रॉब्लम चलता आ रहा है तो इन सारी वजहों से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लक्षण क्या हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो लक्षण में हम देखते हैं कि एक तो हमने कहा कि स्टमक के जस्ट पीछे है तो इस वजह से जो दर्द होता है वो ऊपरी भाग में होता है, अपर अब्डोमेन जिसको हम कहते हैं, तो अपर अब्डोमेन में पेन होना। साथ ही साथ जो ये पेन है जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो ये पीठ की तरफ चला जाता है, रेडिएट हो जाता है, तो ऐसा पेन भी पेशेंट महसूस करते हैं। ज़्यादातर पेन तब बढ़ता है जब व्यक्ति खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं स्टमक जब फिल होता है तो उसके एक प्रेशर की वजह से भी पैनक्रियाज में पेन होना, पैनक्रियाज से पेन होना स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर क्रॉनिक हो जाए कंडीशन, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की वजह से, मतलब बहुत सालों तक ये जो धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और क्रॉनिक लेवल में पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अपने आप ही बिना किसी वजह के वज़न का घटना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ जो मल है या फीसिस या स्टूल जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ख़राब स्मेल का होता है या बैड स्मेल का होता है जो स्टूल पास होता है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि शुरुआती जो कंडीशंस होते हैं उनमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के केसेस होना, नौजिया होना,
साथ ही साथ जो पल्स रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, वीकनेस आ जाना बॉडी में, क्योंकि ठीक से एंजाइम रिलीज नहीं होगा तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, तो खाना ठीक से पच ना पाना, ये सारी चीज़ें हम लक्षणों में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को डायग्नोस कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि किस तरीके के जो एंजाइम्स या जो मिनरल्स हैं वो बढ़े हुए हैं, क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस के कारण में एक कारण ये भी होता है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाना, वो ज़्यादातर थायराइड का हाइपर एक्टिव हो जाना, हाइपर थायराइडिज्म जिसको कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए। तो कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं, या फिर जो एंजाइम्स हैं उनके लेवल बढ़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम ब्लड टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। इन्फेक्शन जानने के लिए हम ब्लड टेस्ट जो CBC है या फिर जो ब्लड का कल्चर है उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूल का टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि ऑयली या कितना फैट का प्रेजेंस है स्टूल में। इसी के अलावा अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है, और इंटरनली जैसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होते हैं वो भी किए जाते हैं ये देखने के लिए कि किसी तरीके का ब्लॉकेज तो नहीं है जिस वजह से पैनक्रियास फूल रहे हैं। ओके, इसके अलावा MRI भी किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं CT scan MRI ये सब हम डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो फूड का रेस्ट दिया जाता है बॉडी में। जो फूड का इंटेक है या खाना जो है वो बंद कर दिया जाता है ताकि रेस्ट मिले पैनक्रियास को। अगर खाना नहीं जाएगा तो एंजाइम्स उतने प्रोड्यूस नहीं होंगे तो पैनक्रियास को रिकवर करने के लिए टाइम मिलेगा। ओके, इसी के साथ साथ पेन को मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं या पेन किलर्स दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है ये रिकवरी के लिए और खाना नहीं खा रहे हैं, इस वजह से फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और अगर पेशेंट फ्लूइड इंटेक नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पा रहे हैं या वॉमिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में IV फ्लूइड दिया जाता है। ओके, इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं जिसमें ERCP किए जाते हैं। ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी होता है, जिसमें अगर जैसे स्टोन वगैरह होता है या बाइल डक्ट वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं तो उसको ओपन करने के लिए जो प्रोसीजर किए जाते हैं उसको ERCP कहते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें गॉल स्टोन को हटाने का प्रोसीजर, या जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर है अगर उसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है तो वो ट्यूमर हटाने का जो प्रोसीजर है, ये सारे सर्जिकल थेरेपीज भी किए जा सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा पैनक्रियाटाइटिस के बारे में, एक ऐसी अवस्था जिसमें पैनक्रियाज जो हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। पैनक्रियाज वो ऑर्गन जो स्टमक के जस्ट पीछे अटैच्ड होता है और जो एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने में और हार्मोन रिलीज करने में मदद करते हैं, इसका जो इन्फ्लेमेशन था उसको हमने पैनक्रियाटाइटिस बोला। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।